स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि मृदा भूगोल क्या है, या तो पूछा जाएगा कि मृदा भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। दोनों ही सवाल एक ही है और इन दोनों सवाल का जवाब लिखेंगे मृदा भूगोल यानी मिट्टी। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, या मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है यानी कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है, मिट्टी का प्रकार कैसा है, काली पीली लाल जलोल मृदा या तो लेटराइट मृदा, साथ ही साथ उनका उत्पादक स्तर यानी कि उसमें कितनी मात्रा में उत्पादन हो सकता है, उसका वितरण कहाँ पर कौन सा मिट्टी है जैसे कि झारखंड में काली मृदा है या नहीं, ये किससे पता चलेगा, ये वितरण से पता चलेगा, एवं इसका उपयोग क्या है, जैसे कि काली मिट्टी का उपयोग कपास की खेती के लिए किया जाता है तो ये क्या हो गया, इसका उपयोग हो गया। इन सभी चीज का अध्ययन जिस भूगोल की शाखा में किया जाता है उसे हम मृदा भूगोल कहते हैं, और या तो इन सभी चीजों को मृदा भूगोल का अध्ययन कहते हैं। तो ये था आपके सवाल का जवाब, और ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स को।